अब छोले भी बन गए, भटूरे भी बन गए। अब देखते हैं जिनके लिए बनाए हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है, सौरभ जोशी और उसकी फैमिली हमारे घर आए हुए हैं और सब लोग मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। और इतने में 3 बज गए, टाइम हो गया लंच का। तो अब कोई घर आया है तो लंच तो करवाना बनता है। तो मैंने सोचा कि हम उनके लिए बनाते हैं अपने पंजाबी स्टाइल के छोले भटूरे। पंजाबियों के घर आए हैं तो उनको पंजाबी डिश खिलानी चाहिए, तो छोले भटूरे से बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता पंजाबियों के लिए। तो इसलिए मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं भटूरे का। और भटूरे का डो लगाने के लिए मैंने लिया है मैदा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, दही 1 कटोरी, ऑयल चाहिए 2 चम्मच, नमक और थोड़ी सी अजवाइन, आधा से भी कम 1/4 टीस्पून अजवाइन है इसमें। अजवाइन, नमक 2 चम्मच, ऑयल डाल के आटा लगा लेते हैं। दही से सॉफ्ट बनते हैं और जल्दी फर्मेंट भी हो जाता है। भटूरे को फुलाने के लिए इसमें हम कोई सोडा वगैरह नहीं डाल रहे। जितना ज़्यादा आप आटा मलोगे उतना ही अच्छा हमारा भटूरा बनेगा। अब भटूरे का आटा हमने लगा लिया, इसको अब थोड़ा सा ऑयल लगा के रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब भटूरे का आटा हमने लगा लिया, अब हम छोले बना लेते हैं। तो मैंने लिए हैं बॉयल्ड चने, इनको बॉयल कर लिया हुआ है, 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 5 से 6 कली लहसुन, कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी हींग। तो सबसे पहले हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। अब पेस्ट मैंने बना लिया, अब इसका छौंका लगा लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 मैंने हरी मिर्च काट ली है, प्याज को हम हल्का ब्राउन होने देते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, बस प्याज को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, कच्चा वाला टेस्ट नहीं आना चाहिए। अब प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इसमें अब टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई है वो डाल देते हैं। अब टमाटर भी हमारे भुन चुके हैं, अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी। और अब डाल देते हैं हम नमक, लाल मिर्च और हल्दी। क्योंकि हम पंजाबी छोले बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। वो बाजार वाले जो छोले भटूरे के साथ काले वाले छोले मिलते हैं वो नहीं बना रहे हम। ये देखो कितना अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के इसको हम 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम चने ऐड कर देते हैं। और थोड़े से चने मैंने रख लिए, ये हम थोड़ा सा मैश करके इसमें मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी हमारी थिक बने। अब ये चने हम मैश कर लेते हैं, मैशर की हेल्प से चने मैश कर लेते हैं। अब ये चने भी इसमें ऐड कर देते हैं और 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अब ढक्कन लगा के इसको हम 4-5 मिनट बनने देते हैं ताकि जो हमने इसमें पानी डाला है वो पक जाए और अच्छी ग्रेवी बन जाए। अब छोले हम खोल के देखते हैं, तो छोले तो हमारे पक गए हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, गैस हम बंद कर देते हैं और भटूरे बना लेते हैं।
आटा हमारा रेडी है भटूरे का। भटूरे में स्टफिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके ले लिया। पहले भटूरे को थोड़ा सा हम बेल लेते हैं और फिर इसके अंदर हम पनीर स्टफ़ करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको हम फोल्ड कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे, और अब इसको फिर से बेल लेते हैं। घी अभी गर्म नहीं हुआ, एकदम जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा फिर डालेंगे भटूरा। घी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं पूरी या भटूरा। अगर फूले ना तो मज़ा ही नहीं आता खाने का। अब छोले भी बन गए, भटूरे भी बन गए, अब प्लेटिंग कर लेते हैं। साथ में मैंने प्याज काट के रखा है, ये बहुत ही पतला पतला, और साथ में धनिए की चटनी बनाई ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं, और एक हरी मिर्च, भटूरों के साथ अच्छी लगती है ना हरी मिर्च। अब देखते हैं जिनके लिए बनाए हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। ये छोले भटूरे का टेस्ट करेगा सौरभ और पीयूष, देखते हैं इनको कैसा लगता है हमारा छोले भटूरे का। देखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे। पहले आप खाओ, ये हमारा प्रोफेशनल टेस्टर है। प्रोफेशनल टेस्टर को भूल गए? नहीं नहीं, तेरे को कभी नहीं भूल सकती। ये लो, यूज करेगा? मैंने करेगा, करो। खाता है वैसे छोले भटूरे? हाँ खाता है, भर भर के खाता है, भर भर के खाता है। तो आज देखते हैं कितने भटूरे खाता है पीयूष। चैलेंज नहीं, नहीं चैलेंज तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो करता रहता है चैलेंज ना। बहुत ही बहुत ही कैसे लगे? हमारा ड्रीम था, हम आपको देखते थे ना कि हम कभी आपके पास आएंगे। सो स्वीट, तो आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बताओ? बहुत अच्छा लगा। कितने खाएगा भटूरे? बस ये है, इतना छोटा सा एक भटूरे में इसका पेट भर गया। सही है, कितनी है ना कि आप दोनों से ज्यादा खा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं खाऊंगा भर भर के, ये मौका दोबारा नहीं है, क्या पता मिले ना मिले। लेकिन नहीं, आप जब मर्जी आओ, हमें भी लगा मतलब एकदम फैमिली वाला माहौल लग रहा है हमें। ये नहीं लग रहा कि कोई यूट्यूबर आया हुआ है हमारे घर पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं ये बच्चे छोटे छोटे से, तो हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो गिव अ बिग थम्स अप। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे खिलाया नहीं बट फिर भी बाय।